ले लिया बेटा, बिल्डिंग में लिया था ना सुबह, पप्पी गिल्लू कोयल चिड़िया को खड़ा करके। चारों जनता लगा था ना। हाँ हाँ, चलो भाई रोल। अभी एक मिनट बता देता हूँ, वो टी शर्ट बनाया उनके बीच में से, ठीक है। अच्छा तो दीमक चाचा तुम ही नहीं स्टेशन से सीधे अपने घर ले आए फटाफट से? अच्छा किया। पर दीमक चाचा तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, इससे अच्छा तो हमारे घर ले आते सीधे फटाफट से। पप्पी मौसी ठीक कह रही है चाचा। ऐसा है, इतना बड़ा भी ना है मेरा घर कि बाबूजी का पूरा कुनबा उसमें रहे फटाफट से। ऐसा है, इतना बड़ा ना है मेरा घर कि बाबूजी का पूरा कुनबा उसमें रहे फटाफट से। पेन का पड़ा सर, क्रिकेट मौसी को समझना मुश्किल ही नहीं सर। लाइन से चलेंगे, लाइन लेंगे। एक सेकंड भाई हटना आप लोग। क्रिकेट मौसी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। वैसे बाबूजी को भी समझ वैसे बाबूजी को भी समझना मुश्किल है। कल रात से ये बात मेरे दिमाग को दीमक की तरह चाट रही थी कि बाबूजी ने आखिर ऐसा कदम उठाया क्यों। ए और वो भी तब जब पूरा परिवार गज को लेकर इतना परेशान है। पप्पी कहीं ऐसा तो नहीं कि गज की तबीयत और बाबूजी की इस हरकत के बीच में कोई कनेक्शन है? टेंशन टाइट, यू आर नॉट राइट। आज हमारा परिवार लगभग टूट चुका है। कितनी अजीब बात है, बाबूजी ने इसी हफ्ते इसी जगह हमें पाठ पढ़ाया था, पानी में तलवार मारने से पानी कटता जरूर है लेकिन बढ़ता नहीं, नहीं है। होल होल स्टे सारम सेम थिंग लुक हाफ सारम सेम। यहां से लुक लास्ट यहां से लुक हां लेकिन बढ़ता नहीं है। होल होल स्टे 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 बस अंकल दोनों भाई का दूसरा रखो। अच्छा दूसरा रखिए, एक दूसरे को देखिए, स्माइल आई फेस पे, इमोशनल। बाबूजी आए चार से दोनों पे एक एक होल रखिएगा स्माइल। बैठे बैठे बैठे, ऑपरेट करो सामान, ऑपरेट करो। चलो बाबूजी का ये लो। हाँ ये यहाँ पे बाबूजी ने इसी जगह पे हमें आज पाठ पढ़ाया था कि पानी में तल अरे नहीं सर वो आया नहीं सर, वो पानी में तलवार मारने से कटता है। ये देखो घोटक बोल रहा है, बाबूजी ने हमें इसी जगह पाठ पढ़ाया था, पानी में तलवार मारने से पानी कटता जरूर है बाबूजी लेकिन बढ़ता नहीं है। बाबूजी ये सब गए भाग के बाबूजी गले लग गए। बाबूजी मयूरी ने आपको चलती का नाम गाड़ी कर दिया। सर आपको बीच के रिएक्शन देने या फिर मैं डायरेक्ट लाइन दूंगी? ओके सर। ये बाबूजी आप हमें लेने आए हैं गधा, हमें तो खुद निकाल दिया है। किसने? मयूरी ने। कोयल लेकिन मयूरी ऐसा क्यों किया? बाबूजी बेटा मयूरी ने किया जरूर है
लेकिन करवाया माया ने है। बाबूजी हरिओम हरिओम, इसका मतलब माया का जाल गज पर भी छा गया। मयूरी और गज दोनों की जान खतरे में है। हाँ बाबूजी, उन्हें किसी तरह बचाना होगा। वो माया को इंसान नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा है। क्या बुरी आत्मा? आप कभी भी उधर चार्ज कर लो, कभी भी प्रॉपर चार्ज लो। हाँ, और ये रोल एंड एक्शन। वो एक आत्मा है। चार्ज। गधा, आत्मा अब कर देगी सबका खात्मा। मौसी, हाय घबराओ मत, गिरगिट मौसी के रहते हुए कोई क्या कर सकेगा फटाफट से। मौसी तुम ऐसा करो, चिल्ले घर जाओ, आत्मा का खात्मा करके उसे यहाँ ले आओ। ना ना, अरे मैं ना जाऊंगी चिड़ियाघर में, सुना है आत्मा बहुत खतरनाक होती है बड़ा बड़ से। कोयल, माया ने ऐसा किया क्यों? हमने उसका क्या बिगाड़ा? ये आवाज आई, पर हमने बिगाड़ा है। चार बोल 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 किया, पर हमने बिगाड़ा है। स्टील में लड़की खड़ी है, इसके पीछे से तलवार आया। जूम, हाँ ये देखना पड़ेगा। एंड लो वापस एक्शन। ये तलवार दिखा, बाबूजी तलवार साहब आप, हाँ अभी ना यहाँ देखो तलवार, ये मेरी पत्नी है। ये देखो उसने बोलना शुरू किया, ये देखो बोल रही है, मैं इनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। आप सबके साथ जो भी हुआ उसमें मेरा भी हाथ है। ये मुझसे बेहद प्यार करते हैं, मेरी हर चीज को पूरा करते हैं। मैंने आपका चिड़ियाघर देखा और उसे खरीदने की जिद की, और जब आप लोगों ने चिड़ियाघर नहीं बेचा उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई, और इनको लगा कि शायद चिड़ियाघर ना खरीदने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। तलवार, मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं आपके परिवार को तोड़ के एक दूसरे से अलग कर दूंगा। चार अरे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आने वाले वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो भी फटाफट से। अच्छा सीन जो है ये ऐसा चल रहा है कि जैसे कि आपको पता ही है, हमारे दर्शकों को पता ही है ना कि कहानी क्या चल रही है, कि हमारी जो गज है उसके ऊपर ना कुछ साया है। वैसे तो कोई इस बात पे यकीन करे ना है आजकल, हम भी ना यकीन करें, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि वो साया है। और सच बात तो ये है कि बाबूजी को एक आदमी ने चैलेंज करा था कि वो ना घर परिवार की जो एकता है उसको तोड़ के रख देंगे, तो वही आदमी चैलेंज के चलते डबिया में कुछ ऐसा लेके आया है जिस डबिया में कुछ काले जादू हैं। तो डबिया जो है घोटक ने उठा के उसे गिफ्ट कर दिए गज को, तो गज वहाँ से खेल रही, तो वो जो काले जादू हैं वो गज के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो वही कर रही है जो काले जादू करवा रहे हैं। तो कभी वो उल्टे काम करे, कभी किसी के थप्पड़ मारते हुए, कभी मेरे कपड़ों पे कलर डाल दिया, मैंने कपड़े धो के साफ़ सुखाए उस पर गंदे छींटे मार दिए इंक के, और धो
हैं, मैंने कह दिया मैं अच्छे साफ सुथरे कपड़े धोती हूँ, कह लगे साफ सुथरे कपड़े धोती हैं मेरी मम्मी, साफ सुथरे कपड़े धोती हैं, तो मैंने कहा अच्छा तो मुझसे साफ ना धोते होंगे तो मेरे कपड़े सड़ा दिए, सब नील के दाग और कच्ची कीचड़ के दाग लगा दिए, तो मैं भी डर गई भैया, और ऐसे अजीत हंस रही पहले तो मैं उसे देख के हंस रही कि भैया देखो तो सही क्या क्रिएटिव दिमाग है, कैसे हंस रही है, लेकिन बाद में मुझे डर लगने लग गया कि भैया तो डरावनी जैसी हंसी लग रही है। फिर पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है, फिर हम उनके घर गए, टीचर की भी शिकायत आई गज की, कि गज जो है सब सारे बच्चों की जो ना पेंसिल तोड़ रही है और सबका खाना खा ले रही है, इतना खाना खा रही है कि पकाते पकाते उसकी मम्मी के हाथ दुख गए, तो समझ रहे हो ये सब ना काले जादू की वजह से हो रहा है। वैसे हो, हम कुछ माने ना है, हम ये भी ना कहना चाह रहे कि वो हो गए, लेकिन ऐसी कहानी है, चलो है तो कहानी हम दिखा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब जो है आखिर ये आखिर सीन है, इसमें जो आदमी चैलेंज देखेगा ना बाबूजी को कि मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, तो आज वो माफ़ी मांगने आया है, क्योंकि उसे उसकी बीवी जो है ना, जब उसने कही थी उसकी बीवी ने कितना बढ़िया चिड़ियाघर है मुझे खरीदना है, तो बाबूजी ने कहा हम क्यों बेचेंगे इसे, हम कभी ना बेचेंगे, करोड़ों में भी ना बेचेंगे, तो उस आदमी के ना ईगो पे हट हो गया कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये मुझे बेचना रहे, मेरी बीवी की पसंद है, मैं बीवी को बहुत प्यार करता हूँ। तो अब जो है वो माफ़ी मांगने आया है इस बात की कि उसकी बीवी बीमार पड़ गई, कोमा में चली गई, तो उसे लगा वो इस सदमे की वजह चली गई है कि बाबूजी ने मुझे मकान ना बेचा और मेरी बीवी की मैंने ख्वाहिश पूरी ना करी इसलिए बीमार पड़ गई, इसलिए कोमा में चली गई। तो अब बीबी जब ठीक हुई है तब उसे पता चला बीबी की किसी और वजह से हुई थी, है ना, तो अब वो सॉरी बोलने आया कि बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हम आपका घर जो है फिर चाहेंगे कि फिर से एक हो जाए, और ये हमारी वजह से हो रहा था आपके घर में जो हो रहा था गज के ऊपर और मयूरी के ऊपर, और आप आपस में मत लड़ो, आप मिल के रहो। तो कहानी का सार ये है कि जब आपसी एकता होती है जैसी चिड़ियाघर के लोगों में, तभी जाके घर परिवार में शांति होती है, सुख होता है, सुन रहे हो ना। हाँ तो बस वही बना के रखना चाहिए, दुनिया की कोई भी काली ताकत कुछ ना बिगाड़ पाएगी, फटाफट से समझ गए। अरे वेलकम, और अपना अपना ध्यान रखिए, अपने प्यार का भी ध्यान रखिए, अपने ध्यान में ना लगे रहिए, 14 फेब आ रहा है। और हाँ पूछो, आप क्या करने वाली हैं? अरे अब मैं क्या करूँगी इस उम्र में, अब हर चीज़ की एक उम्र होती है वैसे देखा जाए तो, है, और मैं सही बताऊँ तो मैं हूँ क्रिकेट मौसी, और मेरा जो हल्का सा सॉफ्ट पॉइंट है ना वो बाबूजी की तरफ है, बाबूजी के यहाँ वैलेंटाइन डे मनाने गई थी, हैं गुब्बारा भी लिया था मैंने दिल वाला, लेकिन बाबूजी ने मुझे पलट के देखा ही ना, बाबूजी संस्कारी आदमी है ना, मैं भी संस्कारी हूँ कभी कभी, लेकिन दिल पे काबू ना रहता है ना। क्या करें, दिल तो दिल है, बच्चा है जी, फटाफट से। और बताओ, मैं तो आप सबकी ऑडियंस को बस धन्यवाद देना चाहती हूँ, खूब खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतनी बढ़िया ऑडियंस है कि क्या बताऊँ, हमारा सीरियल देख रहे हैं आप, उसे सराह रहे हैं, और हमें क्या चाहिए बोलो फटाफट से। हाँ एक बात है, आपको जो चाहिए दे दो इन्हें फटाफट से। वेलकम वेलकम। बाबूजी आप रुकिए, कुछ तो आप रुकिए,